जय श्री कृष्ण। कर्मकांड, पूजा मंत्र, स्तोत्र, व्रत कथा एवं सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए घंटी की निशान को भी दबाएं। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामचरितमानस जी की कुछ ऐसी चौपाइयाँ जिनका नित्य पाठ करने से घर में आनंद रहता है, मन सदैव प्रसन्न रहता है, सुख शांति बनी रहती है। इसलिए इन 8 चौपाइयों का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और भी कोई आपकी शंका हो, कोई प्रश्न हो, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या कांड के शुरुआत में ही 8 चौपाई हैं, तो आपके पास रामचरितमानस होगी, नहीं तो मैं स्क्रीन पर भी चौपाइयाँ लिख रहा हूँ, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चौपाई ये है, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है, जब से भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ है, विवाह के बाद जब से वह घर में आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य मंगल उत्सव हो रहे हैं, आनंद के बदावे बज रहे हैं, रोज आनंद हो रहा है। जो 14 लोक हैं, वो 14 लोक मानो बड़े बड़े पर्वतों के रूप में मेघ रूपी जो बरसात रूपी जो सुख है वो पूरा अयोध्या के अंदर बरसा रहे हैं, ऐसा भाव, ऐसा इन चौपाइयों का अर्थ है। आगे की चौपाइयाँ, हृदय सिद्ध संपति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बोदी कहूँ आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाती, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी जो सुहावनी जो नदियां हैं वो उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ चुकी है, आके मिल चुकी है। जितने भी अयोध्या के नगर निवासी हैं, वो स्त्री पुरुष कैसे भी हों, मणि जो होती है, मणियों में अच्छी जाति की जो मणियाँ होती है उनके समूह हो गए, इतने प्रसन्न हो रहे हैं और सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सब के सब सुंदर हो रहे हैं। आगे की चौपाई, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनी बीरंची कर तूती, सब विद सब पूरे लोग सुखारी, राम चंद मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता है, ऐसा लगता है मानो कि ब्रह्मा जी के पास जितनी कारीगरी थी बस इतनी ही कारीगरी है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देख करके सब प्रकार से सुखी हो रहे हैं, भगवान का ऐसा मुख है। आगे की चौपाई, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम रूप गुण सीलु सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राव। सब माताएं और सब सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख करके आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण रूप शील और स्वभाव को देख करके सुन करके राजा दशरथ जी महाराज बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। तो ये जो वो चौपाइयाँ हैं, नित्य इनका पाठ करना चाहिए और सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है, आप सदैव प्रसन्न रहें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सभी जरूर लिखें।